सरकार ने भी लोगों के लिए सुविधा शुरू की है अयोध्या धाम के दर्शन के लिए। ये जेडीयू की बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जेडीयू की बस है जो रोजाना सेक्टर 17 बस स्टैंड से सुबह दोपहर 1:30 बजे चला करेगी यहाँ से रोजाना, और आपको सुबह 8:30 बजे अयोध्या धाम भी पहुँचा देगी। आप वहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद ये अयोध्या धाम से 4:30 बजे के करीब ये बस दोबारा चलेगी वहाँ से, और आपको चंडीगढ़ में सुबह 11:05 के करीब है सेक्टर 17 बस स्टैंड ही ड्रॉप करेंगे। और प्रति सवारी का किराया जो है बताया जा रहा है 1706 रुपये किराया है एक सवारी का। और अभी हमारी इनसे बात हुई है जेडीयू के ड्राइवर से, इन्होंने बताया भी अभी थोड़ा रिस्क कम है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सामने जैसे ही पता चलेगा कि ऐसी सुविधा प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है तो जितनी जड़ी है सवारी की है पट्टी चलेगी, पट्टी चली जाएगी। आपको बता देते हैं कि भी प्रशासन की तरफ से इससे पहले जेडीयू की बसें खाटू श्याम जी, सालासर जी, वृंदावन, हरिद्वार, मुंडा देवी और ज्वाला जी के लिए बसें यहाँ से पहले से चलती आ रही है, और एक नवी सुविधा लोगों के लिए प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। और अयोध्या धाम के लिए चंडीगढ़ से सीधा बस जाएगी जो दिल्ली बरेली के रास्ते से होते हुए अयोध्या धाम पहुंचाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सूर्य टीवी, मैं हूं आपके साथ अमन सिन्हा। प्रशासन की तरफ से ये जो बस शुरू की गई है अयोध्या, इनके बस के जो ड्राइवर है सीटीयू के, ये हमारे साथ मौजूद है। इनके बातचीत करते हैं किस तरह ये सवारियों को लेकर जाते हैं। सर ये चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए कितने बजे चलती है? 1:30 बजे डेली चलेगी, और उधर 9:30 के रास्ते टाइम मिल गया, 9:30 तो वहाँ से कितने बजे चलेगी? वहाँ से शाम को 5 बजे और यहाँ कितने बजे पहुँचेगी? इधर आ जाएगी ये गाड़ी 11:30-12 के रास्ते, 11:30 के आसपास। 12:30 तो चंडीगढ़ में कितने स्टेशन है जहाँ जहाँ बस चलती है? चंडीगढ़ में दिल्ली लखनऊ बरेली होते नहीं, अगर चंडीगढ़ में कहीं और सेक्टर से कितने हैं? 17 सही है, और सिर्फ 17 सही है, 17 से 17 से शुरू। तो कितनी सवारियाँ टोटल चलती है? सर 52 सीट है टर्की के हिसाब से। तो अभी रश है फुल है? अभी रिस्पॉन्स थोड़ा, अभी नई गाड़ी चल रही है 3-4 दिन में, रिस्पॉन्स धीरे धीरे मिल रहा है। तो इसका किराया कितना है? 1600। प्रशासन की तरफ से लोगों को एक सुविधा प्रदान करते हुए अयोध्या धाम के लिए एक सीधी सीटीयू बस जो कि है शुरू की गई है। हमारे साथ HCS प्रदुमन जी हैं, इनसे बात करते हैं, बस सेवाओं को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले दैनिक सूर्य टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बस कहाँ से शुरू हुई है सीटीयू की, कहाँ तक चलेगी? ISBT 17 से ये बस चलेगी, दोपहर को 1:30 बजे चलेगी, अगले दिन सुबह 8:30 बजे ये अयोध्या पहुंचाएगी। ये 947 किलोमीटर का सफ़र करते हुए और 1706 रुपये किराया इसका होगा, ये चंडीगढ़ वासियों को अयोध्या के दर्शन के लिए प्रतिदिन ले जाएगी। तो सर वहाँ से भी कब चलेगी अयोध्या धाम से? अयोध्या से इसकी जो वापसी होगी वो 4:30 बजे होगी, और अगले दिन 11 बजे ये चंडीगढ़ पहुँचा देगी। तो सर चंडीगढ़ में कहीं और भी स्टेशन है अभी कहीं से अगर बस लेनी हो हमने? सेक्टर 17 से मिलेगी ISBT से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप जो है जीरकपुर होगा, तो 17 से हम ये बस ले सकते हैं। तो इससे पहले सर प्रशासन की तरफ से कहाँ कहाँ सीटीयू बसें शुरू की हैं धार्मिक स्थलों पर? देखिए भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारी बसें श्री खाटू श्याम, श्री सालासर बालाजी, वृंदावन, अब अयोध्या, कटरा माता रानी के लिए हमारी बसें चल रही हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए, हर जगह के लिए हमारी बसेस CTU की भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए चल रही हैं। तो सर ये टोटल कितना किराया एक तरफ का? 1706 रुपये एक तरफ का सर ये? हाँ जी। तो सर इसकी टिकट अगर बुकिंग करानी पड़ती है या मैनुअल होगी? देखिए हम ऑनलाइन भी इसको बुक करा सकते हैं, और वहाँ पर हम फिजिकली भी टिकट ले सकते हैं। हमारे साथ सेंट्रल बस स्टैंड पर MP मध्य प्रदेश से एक शख्स मौजूद है जो अयोध्या धाम के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, ये गाना भी आपको दिखाएंगे कैसे गाते हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप। संदीप जी बोला कौन सा गाना गाना चाहते हैं? मैं मेरी चौखट पे चल के राम आए, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पानी से बहुत खुश है
मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जी, ये आपने अयोध्या के दर्शन किया अभी तक? हाँ जी सर, कर लिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी सर मैं MP 11 में अपने गांव में। ये थे हमारे साथ संदीप जी, जिन्होंने अयोध्या धाम के लिए एक सुंदर सा गीत आपके सामने रखा। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन मुन्ना, दैनिक सूर्य।